ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى برادران اسلام عزیزان گرامی و حاضرین کرام میں آپ سبھی کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس بابرکت پروگرام کا انعقاد کیا اور ابھی مولانا موصوف جو ہمارے اور آپ کے سامنے منہج حقہ جمعیت و جماعت کا تعارف مقصد ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے حقیقی معنوں میں اہل حدیث کا جو مقصد ہے وہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ابھی آپ نے سماعت کیا بغور مشاہدہ بھی بتلا رہا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 72 یا 73 فرقوں میں سے صرف اور صرف ایک فرقہ جو ہوگا وہی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا جنت میں داخلہ اسی کو ملے گا اور باقی دیگر فرقے جس کے متعلق آپ نے خطبہ جمعہ یا دیگر تمام جلسے جلوس کے موقع پر سماعت کیا ہے وہی حشر ہوگا بہرحال وقت مختصر ہے موسم سرما بھی اپنا اثر اپنا دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ مجبور کر رہا ہے اس بات پر کہ آپ کا وقت جس مختصر وقت کو لے کر کے آپ یہاں کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اسی خلوص دل کے ساتھ سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سارے لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور خلوصیت کے ساتھ ساتھ للہ فی اللہ ہمارے تمام تر اجر نیکیوں میں اضافہ فرمائے ہمارے گناہوں کا صفایا فرمائے اور ہمارے ایک ایک نیک عمل کو پروردگار عالم علیین میں جگہ عنایت فرمائے نیکیاں اسی میں جاتی ہیں روحیں بھی اچھی اسی میں جاتی ہیں کرامن کاتبین کا مسئلہ جہاں تک ہے عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ آتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کا مسئلہ ان کی چینجنگ ان کی ڈیوٹی 2 مرتبہ تبدیل ہوتی ہے اور ان 2 وقتوں کو
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गनीमत के तौर पर फरमाया कि इंसान को ऐसे वक्तों को गनीमत जानना चाहिए, गनीमत तसव्वुर करना चाहिए। एक तो इनकी ड्यूटी चेंज होने का दिन में वक्त है असर का, ये हमारे कंधों पे मौजूद है अभी भी, हम अल्लाह के घर में मौजूद और ये हमारे कंधों पे मौजूद, इनका तसव्वुर हम कर नहीं सकते वो कैसे बैठे, कैसे उनकी तहरीर जारी, कैसे हमारे नेकियों को लिख रहे हैं, कैसे हमारे बुराइयों को लिख रहे हैं, कैसे हमारी निगाहों के मामलात को लिख रहे हैं, कैसे हमारे जबान से निकली हुई बातों को लिख रहे हैं, कैसे हमारे हाथ के करतूत को लिख रहे हैं, कैसे पैर की करतूत को लिख रहे हैं, कैसे जबान से निकलने वाली आवाज़ को कैश कर रहे हो, इसकी जानकारी हमें नहीं। बहरहाल आज के दौर में समझने के लिए बहुत आसान है कि मेमोरी मोबाइल चलाने वाला हर शख्स मरे हुए की आवाज़, मरे हुए इंसान की, मरे हुए नफ्स की, मरे हुए फ़र्द की, हज़ारों हज़ार साल बीत जाते हैं मगर उसकी आवाज़ आज भी वो ज़िंदा किए हुए है उसको। तो इसी से हम ताबीर कर सकते हैं कि हमारी मेमोरी किरामन कातिबीन हमारे कंधों पे बैठ करके भर रहे हैं, चला रहे हैं, स्क्रीन चल रही है उनके सामने, हम उसका मुशाहिदा नहीं कर सकते। बस दो ही लम्हात, दो ही टाइम, दो ही पल ऐसा होता है जिससे हमारे कंधों से ये अलग होते हैं। हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किरामन कातिबीन हमारे कंधों से दो मर्तबा अलग हो जाते हैं। एक तो मौका वो होता है कि जब हम बैतुल खला पेशाब पैखाने में दाखिल होते हैं, कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, ऐसे मौके पर किरामन कातिबीन थोड़ी दूर हमसे बना देते हैं, अख्तियार हो जाते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं। और एक मौका वो होता है जब हम अपनी औरतों के साथ हम बिस्तर होते हैं, इस मौके पे किरामन कातिबीन थोड़ा हट जाते हैं। तकाजा भी है उन नबियों को, उन किरामन कातिबीन का, उन फरिश्तों का। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला तो खुद ताहिर है और तहारत को पसंद करता है, खुद पाक है, पाकिजगी को पसंद करता है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म हया के मुतालिक बातें फरमाई कि अल हया निसफुल ईमान, आदमी इतना गया गुजरा ना हो जाए कि वो अल्लाह से भी पर्दा करना, अल्लाह से भी हया करना, इन फरिश्तों से भी हया करना छोड़ दे, नंगा तिरंगा घूमे वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रान से ऊपर का हिस्सा इंसान के शर्मगाह में दाखिल है। रान, रान एक कदम जो सजदे में रुकू में पड़ते हैं जमीन पर, ये रान, इसके ऊपर का हिस्सा शर्मगाह में दाखिल। और औरतों का तो पूरा बदन शर्मगाह में, उसको छुपाना ही छुपाना है, अलमरा तो औरतों, पूरा उसका हिस्सा छुपाने की चीज है, पर्दे की चीज है। और इंसान के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रान से लेकर के नाफ तक का हिस्सा इंसान का छुपाने की जगह है, छुपाने की चीज है। अब इंसान इतना गया गुजरा ना बन जाए, इतना ज्यादा हया का तोड़ने वाला, हया का पास लिहाज ना करने वाला ना बन जाए कि इंसान के सामने अगर वो खोल देता है तो उसको तो इंसानों से शर्म करनी चाहिए, और अगर इंसानों से शर्म नहीं करता तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों से वो शर्म करे, इन किरामन कातिबीन से वो शर्म करे, अगर इनसे भी शर्म नहीं करता तो उस अल्लाह से शर्म करे जो अल्लाह की तालीम और अल्लाह का इल्म में घिरे हुए है। ये मौके हैं अकीदे के मेरे दोस्तों, हम इसका पास लिहाज नहीं करते, जहाँ चाहते हैं उन लुंगी उठा के चलने लगते हैं, जहाँ चाहते हैं नंगे हो जाते हैं, जहाँ चाहते हैं कमर खोल देते हैं, जहाँ चाहते हैं रान खोल देते हैं। एहतियात करना चाहिए, इन फरिश्तों से हमें शर्म करनी चाहिए, और गुनाह करते वक्त भी इन फरिश्तों से हमें शर्म और आर आनी चाहिए कि ये लिख रहे हैं। जब इसका अंदाज़ा, इसका तजर्बा हम अपने दिल में करेंगे तो यकीनी मानों में दिल दहल जाएगा, दिल दरस जाएगा। बहरहाल ये कुछ अकीदों की बातें थी जो आपके सामने रखी गई, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है सूरह कहफ की, इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। इस्लाम की कड़ी में नौजवानों का रूल, नौजवानों का कैरेक्टर, नौजवानों का चरित्र बहुत रोशन रहा है।
बहुत पुरनूर रहा है। नौजवान इस्लाम के कैसे थे, अल्लामा इकबाल ने नक्शा खींचा है। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला था आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे दारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। हमारे असलाफ ऐसे थे, हमारे असलाफ की कुर्बानियां ऐसी थी, हमारे दीन और इस्लाम के मानने वालों की जवानी ऐसी थी, बेदाग थी, कोई नुक्ता रखने के लिए नहीं मिलता था कि उनकी जवानी पर कोई नुक्ता डाल दिया जाए। उनकी जवानी पर कोई आदमी नुक्ता रख दे, उंगली रख दे कि उस जवान के अंदर ये खामियां पाई गईं। तारीख गवाह है असहाबे कहफ के मुतालिक, इन्नहुम फितियतुन, लफ्ज फितिया ये जमा किल्लत, और जमा किल्लत का मामला सबके समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि जो अरबी दुरूस या मदारिस जामियात में पढ़ने वाले लोग या पढ़े हुए होंगे या पढ़ने वाले हो रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, जमा किल्लत का मामला वही जानते हैं। जमा किल्लत का मतलब कि नौ से कम की तादाद। फतवा से माखूज है ये लफ्ज फितिया, फतवा से बना है। और फतवा कहते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा की तारीफ की, फतवा उस नौजवान को कहते हैं जो डींगे ना मारे, करने से पहले उसका बयानबाजी ना करे, अमले साले करने के लिए इतना मुतमन्नी हो, इतना हरीस हो कि वो एक दीनी काम किया दूसरे के लिए तैयार रहे, रिश्ते नाते को ना काटे, बुजुर्गों और कौम मिल्लत की कद्र के बुजुर्गों की ज़ईफ़ों की कद्र करें। ये फतवा की तारीफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की नज़दीक। इब्ने सीरीन ने फतवा की तारीफ की, फतवा माने वो जवान जिसके खून का एक एक कतरा इस्लाम के नाम पर गिरने के लिए तैयार हो, और ऐसे जवान के सामने अल्लाह की नाफरमानी की जा रही हो तो उसका हाथ तोड़ देने के लिए तैयार हो। ऐसा नौजवान कि जिसके सामने कुरान की आयत तलावत की जा रही हो, वो उसको उसका इस्तेहजा कर रहा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पेश की जा रही हो, उस बात का वो मजाक उड़ा रहा हो, ऐसे जवान को जमीन दोज कर देने वाला, जमीन के बराबर कर देने वाला ऐसा शख्स जवान और फतवा कहलाने के काबिल है। अल्लामा इब्ने सीरीन की निगाह में तो बहरहाल वो चंद जवान थे जिनकी तादाद मुफस्सिर कुरान सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के नज़दीक नौ थी, कहीं कहीं सात थी, और सात ही पर जमहूर का इत्तफाक है। कुरान के मुताबिक, कुरान में एक जगह उन्हीं के मुताल्लिक काला आया और एक जगह कालू आया और एक दूसरी जगह भी कालू आया, इसी से इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने यह मसला निकाला कि असहाबे कहफ की तादाद सात थी और सात पर सबका इत्तफाक है। उन्होंने दकियानूस बादशाह के जुल्म और ज्यादती को झेलते झेलते अपनी जिंदगी को ले जाकर के गार के हवाले कर दिया था, और उस गार के अंदर परवरदिगार आलम ने उनको 309 साल तक की नींद दे दी। 309 साल तक वो सोते रहे। 309 साल के बाद जब वो बेदार हुए
बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे, उनका एक आदमी पकड़ा गया। फिर बात वहीं की वहीं रह गई। वाकयात कुरान के बहुत मुख्तसर हैं, पॉइंट दर पॉइंट हैं कि उन्होंने जुल्म व बर्बरियत को झेलते हुए बादशाह दकियानूस से आंखों में आंखें डाल के बात की थी। और हदीस का मुशाहदा भी बतला रहा है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ वहदानियत का रूप बन करके, इलाहल आलमीन का सुप्रीम पावर बन करके अगर दिलों में घर कर जाए तो ऐसा दिल किसी से डरता वरता नहीं, दंदाने शिकन जवाब देने के लिए वो तैयार रहता है। जहां कुरान की मुखालफत हो जाए, जहां अहादीस के मुतालिक इन्हराफ हो जाए, ऐसी जगहों पर वो अपने सीने की हड्डी को तोड़वा लेगा, लेकिन वो किसी से डरेगा नहीं। उठाएं आप तारीख और हदीस के तमाम तर वाकयात को, तमाम तर कुर्बानियां इस्लाम के नाम पर भरी पड़ी हैं। उठाएं आप इब्तदाई इस्लाम की जुल्म ज्यादती को, एक के बाद दिगरे सफात पलटते जाइए इस्लाम पर जो जुल्म ज्यादती हो रही थी, इस्लाम के नाम पर जो खून खराबा हो रहा था, इस्लाम के मानने वालों पर जब जमीन तंग कर दी गई थी, कभी वो ताइफ की गलियां याद करते हुए भागते थे, कभी वो शैबे अबी तालिब के अंदर महसूर कर दिए जाते थे, कभी वो मक्का के तपते हुए सहराओं के अंदर जलाए जाते थे, कभी उनकी पीठों की चर्बियां, उनके जिस्म से निकलने वाली वो चीज़ें जो आग को ठंडा कर दिया करती थी, इस्लाम के खिलाफ जाबिराना ताकतें इसी पर बस नहीं हुआ करती थी। मेरे नौजवानों, जो भी नौजवान उस वक्त इस्लाम के दामन में दाखिल हो जाया करता था, इस्लाम ला करके इस्लाम के लबादे को पहन लिया करता था, इस्लाम के लिबास से मुलब्बिस हो जाया करता था, ऐसे शख्स की हड्डियों से वो खेला करते थे। तारीख के औराक शाहिद है, खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो कुर्बानी कि खुद बयान करते हैं कि मैं जब इस्लाम लाया, इस्लाम लाने की पादाश में, इस्लाम लाने के कारण, इस्लाम लाने की वजह से जहां मुझको लटाया जाता था, नीचे आग के अंगारे रख दिया जाया करते थे, उसी अंगारों पर लटा दिया जाता था, मेरे बदन से निकली हुई वो चर्बी, मेरे बदन से मेरे चमड़े को झुलसाने वाले वो पानी निकल करके आग को ठंडा कर दिया करते थे, मगर जालिमों के दिल में रहम नहीं आया करता था। उठाएं सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला के ऊपर होने वाली वो जुल्म ज्यादती, क्या समझा है इस्लाम को आपने और हमने? हम तो माँ बाप मुसलमान, हमारा खानदान मुसलमान, हमारा कौम मुसलमान, हमारा समाज मुसलमान, हमारी तारीख मुसलमानियत की, लेकिन इस्लाम के नाम की कुर्बानियां देने वालों से पूछो इस्लाम के नाम क्या क्या किया उन्होंने? छोड़ दें आप, उठाएं इस्लाम की उस पहली मुहाजरा को जिन्होंने अपने बच्चे के हाथ की हड्डी तोड़वा दी थी, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बनी आके। उठाए उस पहले मुहाजिर को अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, कौम के लोगों ने, मक्का के लोगों ने जीना दुभर कर दिया था, बीवी बच्चे को छोड़ करके भागना पड़ा उनको। ऐसी इस्लाम की कुर्बानी रही है मेरे दोस्तों। और आगे बढ़े आप, उठाए अम्मार यासिर सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की तारीख को, हमारे और आपके सामने तो बस यहूदियों की बनाई हुई सारी चीज़ें दिलो दिमाग में घर कर गई हैं। आज हमने अपनी जवानी को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है? आज हमारी जवानी जा कहाँ रही है? हमारे जवान आज कैसे कैसे डगर पे चल रहे हैं, वो उनका मशगला क्या बना आज के दौर में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है। रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के मुतालिक हर आदमी जानता है रीढ़ की हड्डी का काम क्या है बदन में, जो पीछे कंधे से लेकर के गर्दन से लेकर के पीछे एकदम जुड़ने तक, ज्वाइंट तक,
मकाद के जॉइंट तक जो हड्डी लंबी है उसी से एक एक हड्डियां जुड़ी हैं, उसी हड्डी को अगर तोड़ दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बैठने क्या चलने तक के भी काबिल ना रहे, मफलूज हो जाए, वो उठने की ताकत ना मिले उसको, उसका बदन काम ना करे, उसका सर यहां से लेके नाक से लेकर के सर तक का पूरा हिस्सा मफलूज हो जाए, मकसूर हो जाए, टूट जाए, वो इंसान बेजान हो जाए। ये जवान होता है उस रीढ़ के मानिंद, उस रीढ़ की हड्डी के मानिंद की अगर उसमें सुराख कर दिया जाए, उसमें तीर मार दिया जाए, उसमें बंदूक की गोली मार दी जाए, वो हड्डी मफलूज, तो इंसान मफलूज, किसी काम का नहीं, न काम करने के काबिल, न मेहनत करने के काबिल, न रोजी रोटी कमाने के काबिल, ना ही माँ बाप की परवरिश के काबिल, सारे आजा उसके मफलूज। तो ये नौजवान उसी हड्डी की हड्डी के मुताबिक होता है। जब ये नौजवान बिगड़ जाता तो पूरी कौम बिगड़ जाया करती है। जब इस नौजवान के ज़हनो दिमाग में फतूर आ जाते तो पूरी कौम के ज़हनो दिमाग में फतूर आ जाएंगे, पूरा माशरा तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो जाता है, पूरा माशरा उस आग में जाके कूद पड़ता है जहां नौजवान खड़े हुआ करते हैं। इस नौजवान की ताकत सुमैया यासिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की वो घड़ी इस्लाम की खूंचक का दास्तान सिर्फ बयान करने और सुनने के काबिल रह गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जुल्म सहने वालों ने, इस्लाम के तई अपनी आबरू को मिटा देने वालों ने, इस्लाम को लाने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, एक अल्लाह पर ईमान लाने के बाद लोगों पर जो जुल्म व ज्यादतियां हो रही थी उसको आके लोगों ने बयान किया, क्योंकि सहन के काबिल नहीं थी वो। मां के सामने बेटे को नंगा किया जाए, बेटे के सामने मां को बरहना किया जाए, बाप के सामने मां को बेटे को नंगा किया जाए, भाई के सामने बहन को नंगा किया जाए, ये इज्जत व आबरू का मसला आज किसी से देखा नहीं जाएगा। मगर इस्लाम लाने की वजह से सहाबा एक दूसरे को आंखें बंद करके देखा करते थे। तारीख के औराक शाहिद हैं, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बेपर्दा किया गया था, अम्मार और यासिर खड़े थे, अम्मार और यासिर को बाप बेटे को मां के सामने लिबास उतारने के लिए कहा गया था, उतारा काफिरों ने, अबू जाल सरगना था उसका। इस्लाम के खिलाफ तमाम तर जुल्म व तशद्दुद एक हो गए थे, अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, जिस हदीस के ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमानों के अंदर इंतशार हो जाएगा, जब भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जब बाप बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा के लिए जाएगा, जब माँ बेटी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जब बेटी अपने भाई के खिलाफ खड़ी, बहन अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे मौके पर अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र की सारी जमातें एक हो जाएंगी और मिलकर के मुसलमानों पर यलगार करेंगी, उनकी मईशत पर यलगार करेंगी, उनकी तजारत पर यलगार करेंगी, उनकी इज्जत आबरू पर यलगार करेंगी, उनके कुंबे कबाइल पर यलगार करेंगी, उनके नौजवान नस्लों पर यलगार करेंगी। नौजवान बच नहीं पाएगा, मुसलमानों की मईशत बच नहीं पाएगी, मुसलमानों की हालत कमज़ोर कर दी जाएगी। जब मुसलमान आपस में इंतशार, इख्तलाफ, फितना परवरी, कीना कपट, बुग़्ज़ो हसद, ये सारे झमेले का झोला लेकर के अपने कंधों पे टहल रहा होगा, ऐसे वक्त में इसकी इज्जत व आबरू कहाँ लुट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी इज्जत कहाँ नीलाम कर दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी दुकान कब कहाँ लुट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी मार्केट कब बंद करा दी जाए कब कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हालात पैदा हो जाएंगे और हालात वही हैं आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सौ साल पहले कहा था, अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सब मिल जाएंगे, मुसलमान बिखर जाएंगे, और मुसलमान जमातों में, फिरकों में, मनहज में, मसलक में बिखर गए। इसी बिखरने का नतीजा हुआ
यही तो हालात थे। वक्त इजाज़त नहीं देता। बहरहाल मैं आपके सामने कुछ मुख्तसर नौजवानों की लिस्ट रख दे रहा हूँ, जिन्होंने मामूली वक्तों में, मामूली चंद गिने चुने सालों में क्या क्या काम किया था। तारीख के औराक शाहिद हैं मेरे दोस्तों, मुख्तसर से वक्त में, इसलिए वक्त को इजाज़त नहीं देता। बहरहाल पॉइंट दर पॉइंट बातें हैं। अल्लाह हमारे ईमान को ताज़ा करे, हमारे ईमान को ज़िया बख्शे और हमारे एक एक लम्हात, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट को यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और नेक और सालहीन में हमारी गिनती और हमारा शुमार करे। सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के मुतल्लिक आता है। नौजवानों से तैली करती हुई सारी बातें, वो 14 से 12 से 13 साल से लेकर के 17 साल की उम्र तक उन्होंने क्या किया, मैं उन नौजवानों के गोशे गुजार करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पबजी गेम के हवाले कर दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को गूगल के हवाले कर दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी व्हाट्सएप फेसबुक से मिला दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तमाम तर मीडिया के उन वाहियात और लफ्ज़ियात से शामिल कर दी। जिन जवानों का मसला तो सहाबा के उन जवानों से मिलना चाहिए था जिन्होंने उस जवानी में, उस उम्र में क्या क्या किया, उन्हीं की मुख्तसर तारीख। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 13 साल की उम्र में चुना था उस वही को लिखने के लिए जो जिब्रील अमीन आसमान से अल्लाह के वहां से लेके जमीन पर आया करते थे 13 साल की उम्र में। 13 साल का इसमें बच्चा कौन होगा आप खुद अंदाजा कर ले। 13 साल की उम्र में हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला ने 15 जबानों में अबूर हासिल कर ली थी। 15 जबान के ट्रांसलेटर थे वो, 15 जबान के मुतरजिम थे वो। कुरान को 15 जबानों में बयान करने के लिए ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अनुमा को बुलाया जाया करता था। 13 साल का वो बच्चा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की किताबत के लिए सिलेक्ट कर लिया था, चुन लिया था, इंतखाब कर लिया था। हम और आप अपने 13 साल के बच्चे को क्या बनाते हैं, गौर करें यार। तारीख के और आपसे दूसरे साहबी ज़ुबैर बिन अव्वाम, सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला तलवारों से खेलने वाले ये पहले साहबी हैं, तलवारों से खेलने वाले। 15 साल की उम्र में, 15 साल का लड़का अभी दर्जा 6 दर्जा 7 में पड़ा हुआ होता है। हमारी कल्चर में, हमारी तहजीब में, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर 15 साल का जो लड़का, उसकी जो एज है, उसकी जो आयु, उसकी जो उम्र होती है वो दर्जा 6 या 7 के काबिल होती है। हमारा बच्चा इतनी उम्र को पहुंचता था तो सही 6 में या दर्जा 7 या 8 में रहे, हाई स्कूल में मान लीजिए। हमारे बच्चे हाई स्कूल में पढ़े हुए होते हैं 16 साल 15 साल की उम्र में, और 15 साल की उम्र में सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने तलवार से बाजी लड़ी थी। तलवार ले अभी हाथों में ताकत नहीं थी, हाथ से तलवार उठाया करते थे तो हाथ कांप जाया करते थे। ऐसे मौके पर तलवार घर से लेकर के आकर के हजरत उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। या नबी अल्लाह सल्लम, अगर किसी की माँ ने उसको दूध पिलाया है तो आए मेरे सामने, वो तलवार का मुकाबला करे, वो तलवार से मुझसे बाजी ले जाता है तो मेरे सर, मेरे बदन का दो धड़ कर देगा। वो तलवार का की जंग लड़ा करते थे, वो तलवारबाजी और नेजाबाजी किया करते थे। वो हमारे जवान पबजी और गेम और मीडिया में लगे हुए हैं। खुदा के यहां जवाब क्या दोगे जवानों, जिस वक्त परवरदिगारा तुम्हारी जवानी के मुतालिक सवाल कर लेगा। मैं आगे नहीं कुछ कहना चाहता,
तीसरे सहाबी को उठाइए आप, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मुफस्सिर कुरान, जिनके मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा युफ़क्किह फ़िद्दीन, ऐ परवरदिगारा इन्हें दीन का मरकज बना, दीन की समझ दे इनको। 17 साल की उम्र, सिर्फ और सिर्फ केवल ओनली 170 ईयर्स, 17 ईयर्स, 17 साल, 17 साल की उम्र में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मुफस्सिर कुरान बन करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में फतवे दिया करते थे, फतवे, और फतवा ऐसा ऐसा कि जहां के बारे सहाबा, बदरी सहाबा, उहदी सहाबा, तबूकी सहाबा, खंदकी सहाबा फेल हो जाया करते थे, ऐसे मौके पर सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अनुमा का इल्म काम आया करता था। मुफस्सिर कुरान थे वो, अल्लाह के नबी की दुआ काम आ गई थी, ज़हन और दिमाग काम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में मुफ्ती बन करके मदीना और मक्का की गलियों में घूमा करते थे, चलते फिरते लोग मसाइल पूछते थे। 17 साल का वो नौजवान, आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है? टैली करें आप, मुझे कहने की जरूरत नहीं, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? ऐ खून नाहक करने वालों, तुम्हारे जोर व जफा का जिस दिन हिसाब अहले वफा करेंगे। अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को मलिया मेट करने वालों, इबरत हासिल करो ऐसे नौजवानों से। आइए सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम इब्नुल अरकम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा, मात्र 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र अपने घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरस इबरत, कुरान व अहादीस की इशाअत, मजलूम मुसलमानों की शफात, सताए हुए मुसलमानों की जमानत के लिए वक्फ कर दिया था। इस्लाम का वो तने तनहा घर था, मुसलमानों के लिए वो छुपने के लिए वाहिद वो मकान था। ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने 16 साल की उम्र थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर जब जमीन तंग की जा रही थी, हाजिर हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, आपको बैठने के लिए कोई मस्कन, कोई मसनद, कोई बैठका नहीं दे रहा है, आप हमारे यहां चलिए, हमारे घर में बैठ करके आप तबलीग करिए, ले चलिए इस्लाम के मानने वालों के लिए पूरा बैठका खोल दे रहा हूं मैं। 16 साल की उम्र थी ज़ैद इब्न अरकम की, 16 साल की उम्र में सैयदना अरकम इब्न अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपना पूरा घर इस्लाम की तबलीग और इरशाद के लिए वक्फ कर दिया था। मेरे नौजवानों, ये इस्लाम के लिए कुर्बानियां थी, नौजवानों के लिए दर्द इबरत है और नसीहत है, पंद है, सिर्फ सुनने और मसाजिद तक इसको महदूद करने के लिए नहीं, ये इबरतें हैं, इबरतें इसलिए हैं मेरे दोस्तों कि हम कुछ लेके जाएं, कुछ बन के निकलें, जिंदगी वफा करें ना करें, गुजारो जिंदगी अपनी हमेशा नेक कामों में, न जाने कौन सा पल मौत का पैगाम बन जाए, खाने के बाद सोए पता लगा सुबह नहीं उठे, एक लुकमा मुंह में गया दूसरा भी आ रहा था कि गिरे, मार्केट में गाड़ी स्टार्ट किए निकले 40-50 की स्पीड से, रास्ते में एक्सीडेंट, पता लगा खबर आई, घर वाले लगे रोने पीटने, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, गुजारो जिंदगी अपनी हमेशा नेक कामों में, न जाने कौन सा पल मौत का पैगाम बन जाए, कब मलकुल मौत को ऑर्डर हो जाए जा फला को छीन के या जमीन से।
ये मामला है मेरे नौजवानों, गनीमत समझो। यगतनिम खमसन कबल खमसिन शबाबका कबल हरमका, नौजवान अपनी जवानी को गनीमत जाने, बुढ़ापा या मर्द पकड़ने से पहले जवानी को अल्लाह के नाम लगा दो, तबलीग इशाअत के नाम खर्च कर दो, नबी के नाम पर जान देने वाले बन जाओ, कुरान के नाम पर मर मिटने वाले बन जाओ, मुसलमान की इज्जत व आबरू को बचाने वाले बन जाओ, उसी तरह बनो जिसे 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और हिंद पर फतह की को फतह किया था। 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और हिंद को फतह किया था। 16 साल की उम्र क्या हुआ करती है सोचे आप। तारिक इब्ने ज़ियाद ने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में, अभी हमारी शादियां भी नहीं हुआ करती, 21 साल की उम्र में उंदलुस को फतह किया था। और इसी पर नहीं, और आप आ जाएं, दो एक नाम और करके वाकया खत्म करता हूं। फातह यूरोप अब्दुर्रहमान नासिर रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में पूरे यूरोप में अपना लोहा मनवा के रखा था। इमाम मालिक के बाद बात कब, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना दोस्तों नौजवानों के ताल्लुक से तो इतनी लंबी लिस्ट है कि हम बताते जाएं, आप दिमागों में बैठाते जाएं, अपने ईमान और अपनी जवानी का टैली और मुआवजा करते जाएं। हमारी और आपकी जवानी कहां गई, कहां जा रही है? गेम खेलने वालों, मल्टीमीडिया में मशगला हासिल करने वालों, मल्टीमीडिया मोबाइल या यहूदियों की बनाई हुई चीजों से शगफ रखने वालों, ध्यान में रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दिन के उजाले में जो नेकी करता है वो उसकी दिन के उजाले की नेकी रात के अंधेरों की गुनाहों को मिटा डालती है, और रात के गुनाह जो करता है वो दिन के नेकी को मिटा डालता है। देखें आप, खेले पबजी खेले, एक से एक यहूदियों की बनाई हुई नेट के गेम खेले, टाइम पास करें आप, क्योंकि आपके पास फुर्सत नहीं, आपके पास कुरान और हदीस से दोस्ती की फुर्सत नहीं, अल्लाह के नबी सल्लम के बनाए हुए मोजिन कुरान और शरीयत का पाबंद शरा मसाजिद में आकर के 5 वक्त आपको बुलाने वाला हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की आवाज देने पर भी आप ध्यान नहीं देते, आप मस्त हैं अपने गेम में, उठाएं गेम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी जवान की मौत उसके मशगले और उसकी मशगूलियत के साथ हो गई तो वो चीज उसके साथ चिपकी हुई होगी। मोबाइल में बेहूदी चीजें देखने वालों, मोबाइल के साथ पबजी गेम खेलने वालों, मोबाइल को अपना मशगला अपना जरिया निजात बनाने वालों, खुदा ना खास्ता उसी मोबाइल के साथ आपको मौत ने दांत दबोचा, बरोज़े महशर जब आप अल्लाह के हुजूर हाजिर किए जाएंगे वो मोबाइल लगी हुई होगी, उसी कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में आपको मलकुल मौत ने पकड़ा था। बेहूदी चीजें देख रहे थे आप, बेहयाई और रुनियानियत देख रहे थे आप, गलत काम देख रहे थे आप, गलत नजारा कर रहे थे आप, पबजी गेम खेल रहे थे आप, मल्टीमीडिया को अपना जरिए मशगला बना रहे थे आप, ऐसे मौके पर वो मोबाइल अल्लाह के हुजूर मैदान महशर में शर्मसार करने के लिए आपके बदन से चिपकी हुई होगी, हट नहीं सकती। मौलकुल मौत अगर उसी हालत में आ गया तो, और नहीं आया तो बच गए। बचते रहिए, कब तक बचते रहेंगे, कब तक जवानी को इधर उधर भगाते फिरते रहेंगे। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह आखिर में ये कलमा, ये बात बतला करके मैं मौजू खत्म कर रहा हूं। सैयदना इमाम मालिक जिनकी एक किताब हदीस की अलमुअत्ता, पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, हदीस की सबसे पहली किताब रुए ज़मीन पर जो लिखी गई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको तरतीब दिया, उसको लिखा, जो मुअत्ता के नाम से मशहूर हुई, मदीना की
गलियों में उसकी तालीम दी जाती थी, मसनद नबूवत पर बैठ करके, मस्जिद नबवी में बैठ करके सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौत्ता का दर्स दिया करते थे। उनकी उम्र उस वक्त कितनी थी, बस वही उम्र बता करके वक्त और नज़ाकत हालात समझते हुए बात पूरी कर रहा हूँ। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ़ और सिर्फ 17 साल की उम्र में मदीना के मुफ्ती बने थे। 17 साल की उम्र में मदीना के मुफ्ती बने, और मदीना के मुफ्ती जब बने तो बहुत सारे कबार ताबईन मौजूद थे, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र उलमा मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े उलमा और फजला मौजूद थे। लेकिन 17 साल की उम्र में मस्जिद नबवी की इमामत, मस्जिद नबवी की खिताबत, मस्जिद नबवी की पूरी जिम्मेदारी, मदीना की पूरी जिम्मेदारी, दर्स हदीस से लेकर के दर्स कुरान तक सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को सौंपी गई सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में। और हमारे बेटे 17 साल की उम्र में क्या करते हैं, गार्जियन खुद मुशाहदा करें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इस हदीस के तहत मुस्लिम शरीफ की, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन राइयतिही, हम में से हर शख्स निगहबान है, चरवाहा है, अपनी राइयत के मुतालिक, अपनी औलाद के मुतालिक, अपने कुंबे कबाइल के मुतालिक। बरोज़ महशर यही पूछा जाएगा गार्जियनों, बेटी की बुराई माँ से, बाप से, बेटे के गलत कदम, बेटे की गलत सोहबत, बेटे का जुआरी, शराबी, जनाकार, बदकार, झूठा, फसादी होने का सबब, वालदैन को पकड़ा जाएगा। हदीस एक लंबी है, मैं बताना चाहता नहीं, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन बेटों के बिगाड़ में फारसी का शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद। इंसान को बुरी, बुरे आदमियों की, बुरे बच्चों की, बुरे लड़कों की, गंदे लोगों की दोस्ती उसको गंदा बना देती है। इंसान को अच्छे लोगों से दोस्ती, अच्छे लोगों के साथ सोहबत अख्तियार करना, अच्छे लोगों से मिलना जुलना इंसान को पाकीज़ा बना देता है। यही तो वजह थी ना असहाबे कहफ के कुत्ते का नाम कुरान में क्यों आया, आप गौर करें इस बात पर, सोचें। कुत्ता तो नजिस है, शरीयत हमारी कहती है कुत्ता जहां मिले उसको मारो पीटो, कत्ल कर दो कुत्तों को, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कुत्तों के कत्ल पर फतवा दिया करते थे, कुत्तों को मारो पीटो जहां मिले वहां भगाओ उनको, शैतान हुआ करते हैं वो, नजिस जानवर है वो, जहां कुत्ते होते वहां फरिश्ते नहीं आते। लेकिन उस कुत्ते का तस्करा परवरदिगार आलम की उस कलाम में आया, उन अच्छे लोगों की सोहबत में आया, क्योंकि वो कुत्ता नजिस होने के बावजूद भी, बज़ात होने के बावजूद भी, बदकिरदार होने के बावजूद भी अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार की उसने, अच्छे लोगों के साथ रहा हूं। अल्लाह ने इसीलिए कुत्ते का तज़किरा असहाबे कहफ से साथ कर दिया है। तो कुत्ता कुरान में जिसका तज़किरा आया वो नेक लोगों के साथ हो लिया था, अच्छे लोगों के साथ हो लिया था, उनकी रखवाली के लिए उनके दरवाजे के सामने बैठा हुआ था, अल्लाह ने उसका तज़किरा कुरान में कर दिया। तो नेक लोगों के साथ इमाम गज़ाली लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को नसीहत किया करते थे हमेशा। उनकी नसीहत तो कुरान में भरी पड़ी है, उनकी नसीहत तारीख के औराक में भरे पड़े हैं, उनकी नसीहत तारीख के हर बाब में भरे पड़े हैं। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटे उलमाओं की सोहबत अख्तियार करना,
मौलवियों और उलमाओं की मजलिस में रहना, क्योंकि वहां से तुम्हें बुराई नहीं मिलेगी, वहां से तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ेगी, वहां से तुम बेहुदा और लघवियात कामों में नहीं जाओगे, वहां से तुम फितने में मुबतला नहीं होगे। और अगर इनके अलावा कहीं और जगह जाकर के अपनी सोबत अख्तियार की तो तुम्हारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, तुम किधर चले जाओगे। बस इसी पर मैं आज का ये दर्स मकामी जमीयत अहले हदीस शुबानुल मुस्लिमीन ग्राम लोहिया की जानिब से आप लोगों के गोशे गुजार किया। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आलमीन हमें ये सारी नसीहतें, कुरान और हदीस की सारी बातें सुनने से ज़्यादा दिल में बैठा करके लिल्ला फिल्ला अमल खालिस करते हुए एक एक पल को अल्लाह के राह में लगा दें। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी इस दौर में खसूसन जब हम बिल्कुल डुप्लीकेट के माहौल में चल रहे हों, खाना हमारा टोटल डुप्लीकेट, होटलों पे उठना खाना पीना टोटल डुप्लीकेट, कब कौन सी बीमारी हमें धर पकड़ ले, हमारा रिफाइंड तेल, खाने की तेल, चावल भी मसनूई, हमारी एक एक गजा मसनूई। इस दौर में जिंदगी की गारंटी नहीं कब वो हंसता खेलता नौजवान बिस्तर पे पड़ जाए। बूढ़ों की तो कोई गिनती नहीं है, वो तो अपनी उम्र पूरा कर चुके हैं। उम्मते मोहम्मदिया की उम्र 60 साल, उम्मते मोहम्मदिया की उम्र 60 साल, इसी में हद है बस। इसके ऊपर वो जा रहे हैं तो बोनस मिली है उन्हें, इजाफा कर दिया अल्लाह ने, उनकी उम्र में बढ़ा दिया, मगर 60 के बाद उनकी कुव्वत हिम्मत, कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, कुव्वत हिस सब मर जाती है, कुछ काम नहीं करता। उनका दिमाग उन बच्चों जैसा हो जाता है जो बच्चे 7 साल 6 साल के जिद्दी हुआ करते हैं। सारी चीजें उनकी हाफ हो जाती हैं, कम हो जाया करती है, ऑटोमेटिक कुदरती निजाम है, कुदरती निजाम को कौन ठुकरा सकता। लेकिन नौजवानों की जिंदगी जो इस्लाम के नाम वक्फ होनी चाहिए, कुरान पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अहादीस रसूल के आगे सरबखम होना चाहिए, ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर तो भी इनकलाब आ सकता है। मेरे दोस्तों, उनकी इनकलाब पूरे कौम का इनकलाब है, उनकी कुर्बानी पूरे कौम की कुर्बानी है। तो आज ये जमीयत जो आपके शाना बशाना खड़ी होकर के, ये नौजवान जो आज قال اللہ وقال رسول کا درس بلا اجرت بغیر کسی رقم کے بغیر کسی مطالبے کے ہمیں اور آپ کے دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ہمتن گوش رہتے ہیں، وہ آپ کو بھی کیے رہتے ہیں، خود بھی رہتے ہیں، انہیں بھی یہ فکر لائق ہوتی ہے کیسے ہمارا قوم سدھرے، کیسے ہماری قوم سدھرے، کیسے ہماری سوسائٹی سدھرے، کیسے ہمارے خاندان کے لوگ سدھرے، کیسے ہمارے گھر کے لوگ سدھرے، उनको ये फिक्र लायक होती है, उनकी नींद इसी में जाती है। लेकिन ये अल्लाह के लिए सब कुछ करते हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह से दुआ है परवरदिगारा इनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। इलाल आलमीन इनके एक एक कदम को कबूल फरमाए और इसी कदम के बदले गुनाह को मिटाता जाए, नेकियों में इजाफा करता जाए। और हम में जो मरीज हैं, परेशान हाल है, इलाल आलमीन उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमाए, उनकी मर्ज को ख़त्म फरमाए। जो ज़िंदगी से परेशान हैं, घर वालों से परेशान हैं, सास ससुर से परेशान हैं, बहन बेटों से परेशान हैं, बेटी से परेशान हैं, परवरदिगार आलम इनके लिए कोई सुलह, कोई खैर का रास्ता निकाल, इनको भी अमन सकून की नींद इनायत फरमा। और हमारे सारे मामलात कुरान व हदीस के मुताबिक फरमा, अहादीस रसूल के मुताबिक फरमा, हमारे झगड़े को भी कुरान व हदीस पे लाके जम फरमा, हमारे मामलात को भी लाकर के अहादीस रसूल और खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों से जोड़। परवरदिगारा तेरे दरबार में बैठ के हम दुआगो हैं, हम ऐसे बुजुर्गों के तई दुआगो हैं जिनकी कुर्बानियाँ इस्लाम के नाम पर, चाहे वो आज मसाजिद को आबाद कर रहे हों,
चाहे वो आज अल्लाह और नबी की बातें सुनने के लिए हर तरह हमातन गोश्त तैयार रहते हैं। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा, बुज़ुर्गों की इज्जत व आबरू में इजाफा फरमा, इनको ज़मीन पर जब तक रख हमारे ऊपर साया बना करके रख, हमारे ऊपर कोई परेशानी आए तो सबसे पहले ये लपकने वाले रहें, हमारे अंदर हौसला देने वाले ये रहें। जब इनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों से मिली रहेगी तो नौजवान गलती नहीं करेगा। गज़वे उहद का मामला यही था, बहरहाल रोशनी नहीं डालना चाहता। अल्लाह तबारक ताला हमारी एक एक नेकियों को कबूल फरमाए, हमारे एक एक अमाल को कबूल फरमाए, हमारे यहाँ मस्जिद में बैठने, अपने घर में बैठने के एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल पल को कबूल फरमाए और हमें अमल करने वाला बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा अमले सालेह करने वाला बनाए, बुराइयों से दूर रहने वाला, तमाम तर यहूदी के बनाए हुए मशगले से दूर रहने वाला, यहूदियों के तमाम तर मामला से दूर रहने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन हमें एक और नेक बनाए, हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक, और हमारे अंदर तमाम तर वो खुल्फ़ाए राशिदीन के क़वानीन, खुल्फ़ाए राशिदीन की मोहब्बत इनायत फरमाए, सहाबा की मोहब्बत इनायत फरमाए, अंसार व मुहाजिरीन की क़ुरबानियाँ हमें इनायत फरमाए। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना वइय्याकुम बिल आयाति वद्दिकरिल हकीम।